आप हमेशा से मेरे लिए भाई भाई जान थे, लेकिन आज आपने साबित कर ही दिया, उन लोगों को आपने सच साबित कर ही दिया भाई कि मेरा और आपका रिश्ता सौतने लायक। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मुझे करना पड़ेगा। मैं दिलशाद को फोन करती हूँ, उनसे कहूंगी कि असद पे दबाव डाले, उसे समझाए। अम्मी अम्मी, इन सबसे कोई फायदा नहीं है, भाईजान उनकी बात भी नहीं सुनेंगे। तो क्या कह रहे हो, कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है अम्मी, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, यकीन कीजिए। लेकिन कैसे? सबूत? कैसे सबूत मोना? एक गुड़िया थी, अगर वो गुड़िया ना खोती ना तो आपके अब्बू की बचने की कोई उम्मीद भी थी, क्योंकि पुप्पी को ऐसा लगता है कि उस गुड़िया में कुछ तो ऐसा है जो आपके अब्बू को बेगुनाह साबित कर सकता है। अगर वो गुड़िया हमें मिल जाए ना रॉबर्ट, तो आपके अब्बू के बचने की अब भी उम्मीद है। सबूत है अम्मी, सबूत है हमारे पास। कहाँ है वो सबूत? अम्मी, वो सबूत तो गुम हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द वो मिल जाएगा। उस घर में भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सबूत जो किसी गुड़िया के अंदर है। जब दिल उदास हो और खुशी ने आपसे मुंह मोड़ लिया, तो खुशी को अपने होठों को बिठाकर कुछ गुनगुना लेना चाहिए। ये हमने आप ही से सीखा है और आप ही भूल गए। जैमी प्लीज। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। Thank you.
जिंदगी रात भी है सवेरा भी है जिंदगी, जिंदगी रात भी है सवेरा भी है जिंदगी, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी। एक पल दर्द का गाँव है दूसरा सुख भरी छाँव है, हर नए पल नया गीत है जिंदगी की यही रीत है। हुआ कि नहीं? मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। अरे वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, समझ क्यों नहीं रही हो? यहाँ इस घर में सबको सबूत के बारे में पता चल गया, वह देर समेर हर कोई वो सबूत तलाश करने की कोशिश में होगा। अगर वो सबूत किसी और के हाथ लग गया ना तो राशिद मियां तो साफ बच जाएंगे और मेरा क्या होगा वो तो होता ही जाता। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसी घर में हो जाओ वो सुबह, और मैंने तुम्हें बताया भी है, इतना वक्त क्यों लग रहा है? लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि अब वो गुड़िया उस जगह पर नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें जैसे भी नासमझ नहीं करना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर वो गुड़िया तुम्हें हासिल करनी ही होगी। खाला आपको याद है स्कूल जाने से पहले हम आपके यहाँ ही ब्रेकफास्ट किया करते थे? मुझे याद है, और तुम नाश्ते में भी मुझसे खीर ही मांगा करती थी। क्या करते खाला, इतनी लजीज खीर हमने आज तक नहीं खाई। अब वो पुराने दिन तो मैं वापस ला नहीं सकती, हाँ लेकिन वन ऑफ दीज डेज मैं वो खीर जरूर बना सकती हूँ। ओके तनवीर ये जरा देखना मैं आई। जी खाला। बिलीव कि तुम्हें याद है कि मुझे अपने सर्विट कैसे पसंद है। बिल्कुल, आप हमेशा से इतने पर्टिकुलर जो हैं अपनी हर चीज को लेकर, और वैसे भी ये तो इतनी रेयर आदत है कि हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। अच्छा तो और क्या क्या याद है तुम्हें? एक तरह से तो सब कुछ याद है जैमी। जैमी जो है ना वो राहुल द्रविड़ का भी निकनेम है, पता है क्यों? क्योंकि वो बचपन में बहुत जैम खाया करता था। सोचो कितना क्यूट लगता होगा ना राहुल द्रविड़ जैम खाता हुआ, नहीं? लेकिन असद से ज्यादा नहीं। आपको पता है
असद तो हर चीज के साथ जैम खाया करते थे, चाहे रोटी, ब्रेड, परांठा या फिर बिस्किट। कभी कभी तो ऐसे ही, तभी तो हम इन्हें जैमी बुलाया करते थे। लेकिन अभी फिलहाल इस टेबल पर जैम नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे? वो भाईजान ने हेल्थ रीजंस की वजह से जैम खाना छोड़ दिया। अब उनके लाइफ में जैम को जिम ने रिप्लेस कर दिया है। रियली? आपको तो इसकी इतनी आदत थी कि हमें लगता था कि आप कभी इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। I believe in rules, तन। अगर इंसान कोशिश करे तो कोई भी आदत छोड़ सकता है। Especially जो मुझे बहुत पसंद हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके लिए सही नहीं। तनु तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? बस बस। लो ना। तुम अभी भी वो अपनी छोटी वाली डायरी में शायरी लिखती हो? जब भी तुम कुछ खूबसूरत शेर सुनती थी तो उसे अपनी डायरी में लिख लेती थी। हाँ, सब आपकी वजह से। जब हम छोटे थे तो आपकी सोबत में रहकर ही तो हमने जाना था कि उम्दा शायरी होती क्या है। शायरी? वाओ, तुम्हें पता है मुझे भी शायरी का बहुत शौक है। इनफैक्ट मैं तो बचपन से ही लिखती आ रही हूँ तनवीर। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने अपना पहला शेर लिखा था, तुम्हें सुनाऊं? ओके, तो शेर अर्ज है। एक शेर आया है, जरा गौर से सुनिए। एक शेर आया है, जरा गौर से सुनिए। मुझे नहीं आता, किसी और से सुनिए। शुक्रिया 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 मिस फारूकी। शायरी टू सूथ द सेंसेस और शायरी टू टॉर्चर द सेंसेस में बहुत फर्क होता है। हम सीरियस पोएट्री की बात कर रहे हैं, जो लिखनी तो क्या आप शायद समझ भी नहीं पाएंगे। और रियली मिस्टर खान, क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना बनाना था। ओ, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, दूसरा लगाना होगा। इट्स ओके, मैं कंपनी वालों को फोन कर देता हूँ। They'll come and fix it. इसकी कोई जरूरत नहीं है जामी, मैं कर देती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम क्यों करोगी, मैं कर देती हूँ ना। आई कैन डू दैट। अरे, तुम्हें सिलेंडर चेंज करना आता है? हाँ भूपी। यूएस में तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया होगा।
क्योंकि वहाँ तो पाइप गैस है ना। कम ऑन भूपी, आप भी कैसी बातें करती हैं? इस दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो जोया फारूकी नहीं कर सकती, बताइए जरा। वेल, इसी बात पे ना एक शेर अर्ज है। चंडीगढ़ हो पंजाब हो या हो जलंधर, चंडीगढ़ हो पंजाब हो या हो जलंधर, जोया कैन फिक्स एनीथिंग इवन इफ इट्स अ सिलेंडर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर ये है ना मेरा बेस्ट टूल, मेरा आईपैड, इसमें से सब कुछ पता चल सकता है। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अल्लाह मियां, कितनी प्यारी बातें करती है ना। प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती है। This must be Miss Farooqi. Allah Mia, what's wrong with me? क्या कर दिया मैंने? अब तनी, please मैं साफ कर दूँगी हाँ। अरे आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। No तनवीर, तुम मुझे जानती नहीं हो। गंदगी तो मुझसे देखी नहीं जाती। मैं बहुत सफाई पसंद हूँ ना। कोई बात नहीं जोया, वैसे भी जैमी के साथ इतना टाइम जो स्पेंड किया है कि मैं भी आर्ट ऑफ परफेक्शन और क्लीनिनेस सीख गई हूँ। पुप्पी, मैंने सिलेंडर चेंज कर दिया है। ओके, लेट्स गो टमाटर। आप दोनों साथ जा रहे हैं? हाँ। शायद तुम्हें पता नहीं है तनवीर, मैं और नजमा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम कहीं भी जाते हैं एक साथ जाते हैं। क्यों टमाटर? ओके भूपी, खुदा हाफिज। और प्लीज हाँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं टाइम पे लौट आऊंगी। वो क्या है ना तनवीर, कि मेरा और भूपी का आपस में प्यार बहुत है, मेरा बहुत ख्याल रखती है ना, तो जब भी कहीं बाहर जाती हूँ उन्हें लगता है कि मैं टाइम पे वापस आ जाऊँ। लेकिन भूपी डोंट वरी, मैं टाइम पे घर आ जाऊंगी। ओके बाय बाय। अब मुझे भी चलना चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। खाला, कोई बेटा अपनी अम्मी को इस हालत में अकेले जाने दे सकता है क्या? जैमी, आप जाइए खाला के साथ। तुम यू बी ओके? हाँ हाँ, मुझे भी इनफैक्ट एक क्लाइंट से मिलना है अपने डिजाइन दिखाने के लिए। एक काम करती हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ ही निकलती हूँ। गुड, आई ड्रॉप यू, कम। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। असद, आई एम सॉरी, हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे। वो एक डिजाइन है जो क्लाइंट को देखना है, तो हमें वो पहले पूरा करना होगा। तब तक आप लोग चलिए। ओके, चलिए अम्मी। यहाँ क्या कर रही हो? इतनी जल्दी में क्यों हो? जी, जल्दी में नहीं तो वो मैंने आपको देखा नहीं ना, इसलिए टकरा गई थी। मुझे किचन में थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ।
अगर तुम्हें वो गुड़िया नहीं मिली है तो आग लगा दो, जला कर राख कर दो उस घर को।